एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक परोपकारी वैद किसी देवदूत की तरह, लोगों के दुख रोग आदि दूर करता फिरता हुआ, गांव से गांव विचरण करता फिरता था, किसी से कुछ लेता भी नहीं था, दूसरों के दुख करने को ही वो साकार ब्रह्म परमात्मा की पूजा मानता था। एक गांव में रास्ते में उसने एक नवयुवक को त्वचा रोग यहाँ तक कि कोढ़ से अति पीड़ित अवस्था में देखा, उससे कहा अगर तुम मेरी बताई दवा खा सके और परहेज कर सके तो तू कुछ ही महीनों में एकदम ठीक हो जाएगा, कल को 10 बार सोच कर मेरे पास आना। अगली सुबह वो लड़का वैद्य के पास गया, कहा जो आप कहेंगे मैं वो ही करूंगा, ये मैंने निश्चय कर लिया है। तब वैद्य ने कहा आज से रोज खिचड़ी खा और उसमें अरंडी का तेल 1 बड़ा चम्मच डालकर 3 महीने तक खाना, नीम के पत्तों को पकाकर उसमें स्नान करना। वैद अगले गांव में चला गया। 20 वर्ष बाद वो वैद फिर उसी गांव में वापस आया। एक अति सुंदर स्वस्थ पुरुष ने वैद के चरणों में प्रणाम किया, कहा वैद जी मैं वो ही लड़का हूँ जो 20 वर्ष पहले चर्म रोग और कोढ़ से पीड़ित था, आज मैं आपकी कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ और आज भी वो ही उपचार कर रहा हूँ। वैद की आंखें भर आईं, उसने युवक को गले लगा लिया, बोले पुत्र बातें बनाने वाले लोग तो बहुत होते हैं, करने वाला कोई कोई होता है, तुमने मेरी दवा को सत्य सिद्ध कर दिया है, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।